आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। अभी हम इसको सप्लाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेशन ब्लिंक कर रहा है। अभी ब्लिंक करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखें, ठीक ये वेस्टर्न लिखा आ गया। ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम है ये इस पर अभी तो लिखा आ रहा है, ठीक है, और डिस्प्ले भी आ रहा है इसमें, यानी बैकलाइट जल रही है। यहाँ पर देखें, ये इसका ये ड्राइवर है, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था और इसमें भी जो है ये बोर्ड है, और यहाँ पर दिखा दें, ये देखिए इसका जो ये ड्राइवर आईसी है ये, और ये जो है मॉस्फेट है जहाँ पे ये इसकी जो सप्लाई बूस्ट की जाती है, यानी इस बैकलाइट के लिए जो यहाँ पे आउटपुट है इसका, तो ये जो सप्लाई बूस्ट करके यहाँ पर, यानी 45 वोल्ट से 90 वोल्ट बनाकर इसे आउट करके यहाँ से दिया जाता है बैकलाइट में, जो कि यहाँ पे इन होता है, और इसके इंटरनल बैकलाइट जलती है तो ये डिस्प्ले दिखाई देता है। अब इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं इसी कंडीशन में, और ये अभी जो है ये गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि इसमें फॉल्ट को कैसे ट्रेस आउट करना है, कि फॉल्ट कहाँ से है। अब इसी कंडीशन में आप अगर देखें तो मल्टीमीटर के दोनों को ध्यान दें, इससे हम इसके ड्राइवर के वोल्टेज चेक करते हैं, और ये अब बैकलाइट का आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। इस समय ये बंद है, तो यहाँ पर देखें, ऐसे हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बीसीसी को देखते हैं, यानी इस सप्लाई की वर्किंग वोल्टेज यहाँ पर देखेंगे तो ये 12.3 वोल्ट, ये देखिए फिर डिस्प्ले आ गया। तो इस कंडीशन में अगर आप देखते हैं कि ये फॉल्ट जैसे होता है उस समय देखें बीसीसी सप्लाई अवेलेबल रहती है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे एब्सेंट होता है जिससे ये डिस्प्ले चला जाता है, इसको हमको कंफर्म करना है, जो कि हमने कुछ दिन पहले इसके सर्किट डायग्राम को भी दिखाया था, उस पर वोल्टेज भी दिखाया था। देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये जैसे अभी ये कांस्टेंट फॉल्ट हो जाए तो ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि आ रहा है जा रहा है। अब यहाँ पर देखें कि प्रॉब्लम क्या है, बीसीसी तो क्लियर हो गया, यानी यहाँ पर देखें ये पूरी तरीके से, अभी ये थोड़ी देर बाद एकदम बंद हो जाएगा, यानी दोबारा ऑन नहीं होगा ये। अभी तो मान लीजिए ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, तो ये ऑन ऑफ का जो ये प्रॉब्लम है ये अभी क्लियर करते हैं कहाँ से है ये प्रॉब्लम। आईसी के जितने भी वोल्टेज हैं यहाँ पे हम दिखाते हैं, पिन नंबर 1 12 वोल्ट, पिन नंबर 2 कोई वोल्टेज नहीं, पिन नंबर 3 कोई वोल्टेज नहीं, पिन नंबर 4 कोई वोल्ट नहीं, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 देखिए इस पर अप डाउन हो रहा है, और पिन नंबर 8 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इनेबल को यहाँ पर देखें, ये जो 5 वोल्ट है हमारा, ये यहाँ पे जो पैनल वोल्टेज के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट सेलेक्ट है, ये खाली है 5 वोल्ट, यहीं से इसको हम लगा कर, यानी ये एक रेजिस्टेंस लेंगे, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा दें, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और इससे हम यहाँ पे पिन नंबर, यहाँ पे पिन नंबर 8 यानी 8 नंबर पे इसको हम लगाते हैं, और देखिए अभी इसको डिस्प्ले पर ध्यान दें, और ये मल्टीमीटर पे भी, यहाँ पे हम इसकी अब ये थोड़ा क्लियर दिखेगा। अब देखिए हम इधर जो है, एक सेकंड, एक हाथ से कैमरे को पकड़े हैं, हम इसे टच करते हैं जो कि है हमारा 8 नंबर का पिन, दिखा होगा आपको, ठीक है। देखिए ये अपने आप ऑन भी हो गया हटाने पे। अब इसके बाद भी इस पे वोल्टेज हम दिखाते हैं आपको,
देखिए यहाँ पे 1.5 वोल्ट, ठीक है, दिख रहा है एनेबल पे, जो कि यहाँ पे ये वोल्टेज अधिक होना, देखिए ये बंद हो गया फिर, यानी 1.8 वोल्ट से नीचे जैसे जैसे आता है ये तुरंत ये है यहाँ पे ये बंद हो जाता है। ठीक है, हमारा दो तरफ निगाह है, एक तो कैमरे की तरफ, एक तो नीचे पीसीबी पे। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि सोल्ड कर देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसको हमने जो है सोल्ड कर दिया है, ठीक है, यहाँ से 5 वोल्ट से यहाँ डायरेक्ट। अब इसके वोल्टेज को हम दिखाते हैं और टीवी को ऑन करते हैं। टीवी को ऑन कर दिए, ये देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग दिख रहा है और ये अभी जो है डिस्प्ले आ जाएगा, देखिए डिस्प्ले आ गया, ठीक है। अब ये बंद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज भी दिखा दें आपको, ये बंद नहीं हुआ है, देखिए 5 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे।